अब कितने हार हुए विधायकों पर कौन सी पार्टी कितना दाव खेलती है, ये उसका अंदरूनी मामला है। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव, जिसको लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, उसके परिणामों को अगर लोकसभा का जनाधार मान लिया जाए, तो फिर वर्तमान स्थिति में किस पार्टी को लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिल सकती है और कितनी सीटें ऐसी होंगी जहां दोनों के बीच कांटे की टक्कर रह सकती है। ये रिपोर्ट की राजस्थान में विधानसभा का चुनाव राजस्थान में सियासी समीकरणों को बदल कर चला गया। बीजेपी को पहले उपचुनाव में झटका लगा और उससे उभर पाती उससे पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदेश में सरकार चली गई। वहीं कांग्रेस के लिए साल 2018 सियासी तौर पर शानदार रहा और साल के अंत में कांग्रेस की सरकार की शुरुआत हो गई। लेकिन हम विश्लेषण के आधार पर और कहा जाए कि किस लोकसभा सीट पर कितनी विधानसभा सीटों को कौन सी पार्टी हार गई, उसको आधार बना लोकसभा चुनाव के परिणामों का अनुमान लगाया जाए, तो फिर क्या परिणाम आता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कहां कांग्रेस की सीट विधानसभा चुनाव के आधार पर मजबूत मानी जा सकती है या कांग्रेस मान रही है। जरा देखिए, बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, वर्तमान में 7 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी का कब्जा। सीकर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, वर्तमान में 7 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी का कब्जा। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, वर्तमान में 6 पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी और 1 पर बसपा का कब्जा। चूरू लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, वर्तमान में 5 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी और 1 पर माकपा का कब्जा। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, वर्तमान में 5 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी और 1 पर बसपा का कब्जा। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, वर्तमान में 5 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी और 1 पर निर्दलीय का कब्जा। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, वर्तमान में 5 पर कांग्रेस, 2 पर बसपा और 1 पर आरएलडी का कब्जा। दौसा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, वर्तमान में 6 पर कांग्रेस, 2 पर निर्दलियों का कब्जा। टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, वर्तमान में 6 पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी और 1 पर निर्दलीय का कब्जा। नागौर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, वर्तमान में 5 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी और 1 पर रालोपा का कब्जा। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, वर्तमान में 6 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी का कब्जा। यानी अगर विधानसभा चुनाव के परिणाम को आधार माना जाए, तो फिर लगता है कि 11 सीटों पर कांग्रेस खुद को 2019 के लिए मजबूत मान रही है। लेकिन सियासी पंडित मानते हैं कि विधानसभा चुनाव का परिणाम लोकसभा चुनाव को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि लोकसभा के मुद्दे भी अलग होंगे और चेहरे भी। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि बीजेपी विधानसभा चुनाव के आधार पर कौन कौन सी लोकसभा सीटों पर मजबूत नजर आती है। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, वर्तमान में 7 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस का कब्जा। जालोर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, वर्तमान में 6 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय का कब्जा। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, वर्तमान में 5 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस का कब्जा। कोटा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, वर्तमान में 5 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस का कब्जा। झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, वर्तमान में 5 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस का कब्जा। पाली लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, वर्तमान में 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, 1 पर रालोपा और 1 पर निर्दलीय का कब्जा। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, वर्तमान में 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और 1 पर रालोपा का कब्जा। ये वो 7 सीटें जिन पर विधानसभा चुनाव के आधार पर बीजेपी को मजबूत माना जा सकता है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि वो 7 सीटें जहां दोनों ही पार्टियों में से किसी को भी विधानसभा चुनाव में एक तरफा सफलता नहीं मिली, और आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि यहां दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर रह सकती है। अलवर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, वर्तमान में 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, 2 पर बसपा और 1 पर निर्दलीय का कब्जा है। जयपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, वर्तमान में 5 पर कांग्रेस, 3 पर बीजेपी का कब्जा है। श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, वर्तमान में 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस, 1 पर निर्दलीय का कब्जा है। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, वर्तमान में 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस, 1 पर निर्दलीय का कब्जा है। बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, वर्तमान में 3 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी, 2 पर बीटीपी और 1 पर निर्दलीय का कब्जा। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, वर्तमान में 4 पर कांग्रेस, 4 पर बीजेपी का कब्जा। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, वर्तमान में 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, 2 पर निर्दलियों का कब्जा। लेकिन विधानसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर वर्तमान में 11 सीटों पर कांग्रेस, 7 सीटों पर बीजेपी और 7 ही सीटों पर कांटे की टक्कर नजर आ रही। लेकिन जिस तरीके से अजमेर और अलवर उपचुनाव कांग्रेस जीती थी और विधानसभा चुनाव में दोनों ही लोकसभा वाली सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी,
ये बताता है कि लोकसभा चुनाव में परिणाम भी आधारों से अलग होंगे और मुद्दे और चेहरे तो यकीनन ही अलग होंगे और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां मिशन 25 लेकर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट न्यूज। Thank you.